तो अभी हम लाइव आए हैं आपको कुछ न्यू अपडेट्स देने के लिए, तो कुछ लोग कनेक्ट हो जाएं, देन आपसे वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। इस बच्ची के बारे में भी डिस्कस करना था कि है ना कैसे, क्योंकि आज सुबह जब इसको पिक किया तो काफ़ी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर पाई। अभी मैंने इसको एक बार खाना खिला दिया है, वही बात है ना, स्पेस इतना नहीं है, वही कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, तो इसके लिए मैंने स्पेस जो तैयार किया वो भी दिखा देती हूँ। उल्टी करती किने कीती है, किने कीती है, कौन है? पीछे चुकरा ना लिया मैं चुका। तो मैंने क्या किया इसका स्पेस बनाने के लिए, तो जैसे ये रास्ता खुला हुआ था ना, छोटे बच्चे इसको वहाँ जाके तंग करते थे, तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला पीछे रास्ता इसको चुकना पिछो वहाँ पे आएगा ना, पोटी चुकना उधर ना पीछे बैक साइड से, तलवाई पतरी जी पई होएगी। तो मैंने क्या किया कि अपना नेत्रा उधर नहीं जाएगी, नेत्रा को मैं बाहर रखती हुई, अभी लाइव के चक्कर में ना एकदम से अंदर आ गई है ये, इसको मैं बाहर ही छोड़ूंगी क्योंकि यही तंग करती है सबको और नहीं कोई तंग करता। मार जा मार जा, अब खा जा खा जा। अब इसके बारे में भी स्टोरी बताती हूँ, अभी एक नई मैडम आई है, नौ बच्ची नौ, इसके खाने में क्या निकला यार, तूने वॉमिटिंग की है। इसकी भी मैं छोटी सी की स्टोरी बता देती हूँ, अभी आज सबके लिए नई गेस्ट होगी। नेत्रा इधर आ जा, वापस आ जा, वापस चल, वॉइस नहीं आ रही, प्लीज बताना वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। गाइज इंस्टाग्राम पे वॉइस आ रही है, एक सेकेंड हाथ फाड़ के रखना, इधर ले आओ। हम दिखाना नहीं चाहते बट हम ऐसे पिक करते हैं। जा ओए, नेत्रम बाहर छोड़ दे, नेत्रम बाहर छोड़ दे, नेत्रा। गाइज एक सेकेंड, आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, रुको मैं नेत्रा को खींचू, इतने कंजर है ना राउंड ज्यादा ने ना, इड्डे खून पीता था कहते मेरा, देख रहे यार कुर्सी की भाग गई, हाथ में नहीं आते, खड़ जा खड़ जा खड़ जा खड़ जा खड़ जा खड़ जा, कांटों ने ना तेरा मीट बना के खा जाना, अंदर आ जा इधर सर्किट अंदर दुर्जा, इन बाहर रहने दी मैडम नू, मतलब बाहर हमने फैन की नहीं है, ये लॉबी वाला एरिया फैन चल रहा है इधर, सर्किट भाई अंदर आ जा, देखिए क्या यार सियापा है ये, रुकना जरा चल अंदर। ओ सॉरी बेबी, सॉरी 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 मेरे बच्चे, यार सीरियसली आप लोगों को ये वीडियो देख के ना बहुत इजी लगता है ना कि वाह वो डॉग्स कितने क्यूट हैं, हे भगवान ऐसी तैसी फिर जाती है यार, बड़ों को छोटे से लग करना, छोटे से बड़े से, उसको वो मार रहा है, उसको वो पीट रही है, वो उसको ना खा जाए, वो उसको ना खा जाए। रुको भाई एक दो को मैं ब्लॉक अभी नहीं मारती, चलो इन्हें भी एंटरटेन कर ही लेते हैं आज। और प्लीज़ मेरी शादी की टेंशन मत लो, दिलजीत शादी करे ना करे, आपको मेरा काम पच नहीं रहा क्या, अगर मेरे शादी ना करने से इन बेजुबानों को हेल्प मिल रही है, मैं इनको लाइक खाना देखा, एक मिनट के लिए अंदर आई है कमीनी, बाथरूम करके चली गई इसके ऊपर, मर जा नेत्रा तू, तो देख लिया देख लिया देख लिया, ये सियापे मरी जाओ ओवे। ये मैडम, इसकी पहले मैं छोटी सी स्टोरी बना दूँ नहीं मतलब बता दूँ, ये मैडम ठंडी सड़क पे, ये मुंह खा दे इधर, वड्डी तू हीरोइन बीगल की कॉपी है ये, ठंडी सड़क पे ये भाग रही थी, मेरे तो पूरे जो खानदान का ब्लड है ना वो एनिमल लवर्स का है, तो मेरा भाई घर आ रहा था वापस, तो उसका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मैं ना ये सड़क पे खड़ा हूँ तो एक डॉग है वो कब से भागी जा रही है, तो उसकी मम्मी को ढूंढ रहा हूँ, तो एक घंटे से वो उसकी मम्मी को ढूंढ रहा है, मम्मी नहीं मिली, तो एट दी एंड इसको घर ले आया है, इतनी कमीनियाँ सबको मार रही है, तो ना फंटा ना तू हाथ लाया चीकू ने, तो चीकू इस घर च पेल आया से ठीक है ना, जी आंदे सारी हीरोइन बन गई है तू, चीकू चला मेरे पुत्र अंदर आ चीकू जाओ, सर्किट तो सहम के उधर बैठ गया, फंटा उतर रहा है सर्किट का, वो बैठा पीछे, कितनी चलाक है ये, है नहीं तू मारने का तो नहीं सारे नू, वापस ठंडी सड़क छाड़ देना तेनू, मैं सुबह इसकी मम्मी को ढूंढूंगी मैं जाके, इतनी फुर्तीली है ये, हे भगवान। चीकू सारे डरे सहमे बैठे हुए हैं, तो भाई मेरा इसको ले आए उठा के घर, वही बात है स्पेस होता नहीं है, इतनी चलाक है इतनी चलाक है, काट भी गई है उसको ये,
देख 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 कैसे पीछा कर रही है उसका। सर्किट तेनू तो राती बंदा बना देगी, होर किसे नू बंदा बनाए ना बनाए, तू तो चौड़ा है फिरना सा ना। बिल्कुल बीगल जैसी लग रही है यार ये, बिल्कुल सर्किट को तो सेट कर देगी रात को ये। तू नेत्रन फिर लाया है, तेरे मारा मुंह से बोंदू इसको बाहर ले जा, देखना यार। हाय हाय वे रब्बा मेरा मत्था पार चल रहा, खलो जो 2 मिनट फोन रख के इन बाहर ला जाओ, नहीं तेरे सारे ते मर्डर कर देने ना ने। इसको मन नेत्रा मैं कहते मात्रा मन नेत्रा को बाहर ले जा, तू तो थले ही तुर जा, तू ना तू कोई बुआ बंद करना काक करना, तू थले तुर जा, जा। इसको उधर ना इस साइड ले जा इसको, इस साइड बेटा इस साइड लॉबी में तू देख ले, उधर उधर ना पहुंच जियो गलती से। इतनी मुश्किल से मैंने ये दीवार बनाई है इधर, ये देख रहे हो ना बेड के साथ ये दीवार बना के ऐसे पूरी, ये देखो यहाँ तक बंद करके इसको इस वाले एरिया में रखा है, पंखा चल रहा है, ज़रूरत पड़ने पे एसी भी चला देते हैं। तो इसने यहीं पे अपना सुसु किया था, अभी लाइक पॉटी नहीं की, खाना मैंने इसको खिला दिया था, सुबह इसको डॉक्टर पे लेके जाएंगे। तो ये बच्ची आराम से यहाँ सो रही है, धीरे धीरे आवाज़ पहचानेगी है ना, तो कल इसकी दूसरी आँख का भी देखते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं। ये लेके आया इसको, मम्मी से जूतियाँ खाएगा अभी ये। मतलब मम्मी कहती यार मतलब तुम्हें ही सारे डॉग दिखते हैं क्या सड़क पे, किसी और को क्यों नहीं दिखते, खाएगा अंजल वाल कट्ठे हुए इन्हें, इतनी शरीफ लग रही है, इतनी चालू है ये, वड्डी कितने बखाई माड़ा जा माड़ा जा वड्डी है थटी हल वाला है, थोड़ी सी इसको काटी है, क्योंकि वही बातें बच्चे बेचारे डरे होते हैं ना, तो एकदम ही काटते नहीं अपने अपने बचाव करते हैं ये, उधर ना छाड़ दी तेन बस, नहीं नहीं सर्किट की आज तक फेरेगी पूरी तरह, ये जा जा सर्किट सर्किट लुका है कितने वे सर्किट बेटा ही सर्किट न्यू सर्किट बैठी जाओ देखो जा सर्किट तेन बंदा ये बना देगी सर्किट तेन तो बंदा बना देगी वे और किसी तो मैं पता नहीं सारा चौड़ा हो फिर सी सर भज गई सर्किट बाहर इधर वो ब्लर आ रही है रुको सर्किट आ जा वो भज गया लुकदा फिर दे चलो जी तो आपके कुछ क्वेश्चंस थे है ना मेरे कुछ आंसर्स थे तो डिस्कस करते हैं आपसे बच्ची के पास ही बैठी हूँ मैं अगर आपको ये कि मैं इसकी फ़ोटो नहीं दिखाऊँ तो मैं हाइड कर सकती हूँ मैं इसका फेस नहीं दिखाऊँगी क्योंकि कुछ लोग नहीं देख पाते हैं ना जस्ट एक बार इसका फेस शो कर देते कि इस दुनिया में कितना दर्द है इसकी आँख देख रहे हो आप लिटरली पूरी आईबॉल पूरा बाहर आ चुका है सच्ची में ये वाली आँख पे स्टिचेस लगे हुए हैं ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुकी है मतलब कि लोग जब ये डॉग्स इस सिचुएशन में पहुंचते हैं ना तो लोग इस सिचुएशन में पहुंचने से पहले हेल्प कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं सबकी गलियों के बाहर डॉग्स होते हैं आप हेल्प करना चाहते हो है ना इन बच्चों की तो की कहते हैं आप ये क्यों ढूंढते हो कि आप कोई एनजीओ ढूंढते हो कोई एनिमल लवर ढूंढते हो आप ये सब ढूंढने के बजाय ना आप एक ई रिक्शा वाला ढूंढा करो माना कि ऐसे डॉग्स बिठाने से आपकी गाड़ियां गंदी हो जाएंगी तो आप क्या कर सकते हो आप अपने आसपास अभी हमने इस बच्ची को सेक्टर 7 से पिक किया ठीक है और जो हॉस्पिटल है वो सेक्टर 6 में है और मैं बिल्कुल अपोजिट लोकेशन में रहती हूँ बहुत दूर 6-7 किलोमीटर से भी ज़्यादा हाँ नियर अबाउट मैं इतनी दूर रहती हूँ ठीक है मैं इसका फेस नहीं दिखा रही गाइज तो मैं कोई और बच्चे दिखा देती हूँ क्योंकि मैं स्टोरी इसकी बता रही थी ना इसलिए तो आप क्या कर सकते हो यार आप इस डॉग की वीडियो बना के किसी डॉक्टर को दिखाओ है ना कि आप देखो मैं हर जगह नहीं पहुँच सकती मैं फिर बोल रही हूँ मैं एक ही हूँ अगर मेरे जैसे बनना तो भाई बन जो मैं भी तुम्हारे जैसे ही हूँ मैं खुद ऐसी बनी हूँ मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली या मैं कोई स्कूल से सीख के नहीं आई कि डॉग्स को कैसे रेस्क्यू करते हैं
तो आप भी क्या कर सकते हो गाइस, आप इसको एक ई रिक्शा वाले को कोई 50 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करके ई रिक्शा वाले को बोल सकते हो अपने कोई, जैसे यार बड़े बड़े घर तो बना लिए, मेड भी होती है समटाइम, किसी बोल के कि भाई इसको डॉक्टर पे लेके जाना है, एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं, बच्चे को उठा के डॉक्टर वहाँ से ट्रीटमेंट करा सकते हो। मतलब लोग क्या वेट करते हैं कि कोई आएगा वो उसको उठा के लेके जाएगा फिर वो डॉक्टर के पास, मतलब आप हमारे हम जैसे लोगों के क्यों वेट करते हो? अगर मैं 10 बच्चे रेस्क्यू कर रही हूँ तो आप एक तो कर ही सकते हो। मतलब मुझे इतना फील होता है कि लोग पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते। खुलो जाओ आवा, मतलब लोग यार हेल्प ही नहीं करना चाहते। लोग वेट करते हैं कोई एनजीओ आएगी, डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो कमेटी वालों का काम है, ये कमेटी वालों के कुत्ते हैं, हम कमेटी वालों की वेट करें कि कभी नगर निगम वाले आएंगे? कोई भाई आपको लगता है कोई करता है? जिसको दिल से फील होगा वही करता है ना। तो मैं इसको उधर से यहाँ से पिक दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ क्योंकि वही बात है, उसकी सिचुएशन बेचारे की इतनी ख़राब है कि वही बात है ना, हमें कोई सिंपथी नहीं लेनी, हम ये दिखा रहे हैं कि दुनिया में इतना दर्द इन बच्चों को मिला हुआ है। लोग इन बच्चों की अगर टाइम पे हेल्प कर दें, इनको डॉक्टर के पास पहुंचा दें, है ना, तो ये बच्चों की ज़िंदगी। अब नेत्रा थी, नेत्रा को जब ये सब सीन हुआ, उसको रोजलिन या और लोगों ने देखा, उसको डॉक्टर पे लेके गए, उसका ट्रीटमेंट करवाया, है ना, वो कहीं ना कहीं बच गई। अब ये बेचारी को तो देखा ही इतनी देर बाद ना, देखने के बाद भी प्लीज़ आप हम जैसे लोगों के वेट मत किया करो, आप इसको डॉक्टर पे लेके जाया करो। आप यार जा सकते हो, जब आपके कोई घर का मेंबर बीमार होगा आप किसी की वेट थोड़ा करोगे? आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाओगे ना, चाहे आपकी मम्मी है, कोई ताया है, कोई चाचा है, तो आप इन जैसे बच्चों को क्यों नहीं लेके जाते? एटलीस्ट एक बार तो इंसानियत दिखा ही सकते हो ना। और करनाल में गाइस 5 से 6 हॉस्पिटल हैं, खाली एक हॉस्पिटल नहीं है, एमरजेंसी में काफ़ी डॉक्टर्स भी मिल जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों की वेट किए बिना ना आप इन बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया करो। और ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप किसी की आसपास एक गली में 10 घर होते हैं, किसी की भी हेल्प ले सकते हो। यार ये बच्ची पूरी ब्लाइंड हो चुकी है, मतलब इतना फील होता है कि यार लोग दूसरों को मैसेज करके कॉल करके जिम्मेवारी वहीं ख़त्म कर देते हैं, चलो अभी छुट्टी। और यार मैंने इन बच्चों को रेस्क्यू करना कोई प्लान नहीं किया था, ये पेज बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, ये सब रैंडमली हुआ। बच्चों को खाना दिया, रेस्क्यू किया, पिक किया, अपने बर्थडे पे लोग गिफ्ट लेते थे, मैं डॉग अडॉप्ट करती थी। तो आप ये शुरुआत आप खुद भी कर सकते हो यार, एक बार करके तो देखो मतलब कितना दिल को सुकून मिलेगा। ये चीकू है, चीकू भी ऑलमोस्ट माने, एक बार चीकू को भी पिक करके दिखाइयो। ये तो ऐसे आ रही जैसे कहीं के सरपंच नहीं हो, सच्ची बताऊं तो जैसे जी ये तो छुट्टियां पे गई हुई थी अमेरिका, वहां से आई है, सबका फांटा तार रही है ये, यदी माँ नु लभांगे सवेरे नहीं सारे डॉग्स नू मार देगी। चीकू दे सह सुके पेने, सॉरी सर्किट दे इसके सारे जख्म वगैरह दिखा दे। ये वही चीकू है जिसको बड़े गांव से जब हमने पिक किया तो पूरा इसका पेट कटा हुआ था, ब्लीडिंग हो रही थी, ये सारे इसको घाव थे। रुको मैं एक बार ना देखो, ये भी ठीक हो गया, एक सेकंड बेटा, राम नार ये परले वाला दिखा, ये सारे देखो इसको स्टिचेस कहाँ लगे थे, ये वाला ऊपर वाला बेटा, ये इसको स्टिचेस लगे थे यहाँ, सब ठीक हो गए यार। अगर ये बच्चा ही ये सारे ठीक हो गए, इसको यहाँ भी स्टिचेस लगे थे, यहाँ यहाँ ना बस रख दे नीचे। मतलब कि अगर इसी बच्चे को वहीं छोड़ देते, ब्लड इसको वैसे आ रहा था, ब्लड लॉस हो जाता, ये इसने मर जाना था। लोग यार जिम आज, हाँ एक चीज़ और बता देती हूँ, आज बड़े गांव मैं नहीं गई थी, प्रियंका मान्या हरमन करण ये चारों खाना देने गए थे, भीम और वहाँ आए थे। तो आज फिर क्या हुआ, वहाँ पर एक कोई वो कट्टा जिसको बोलते हैं उसमें एक बछड़ा डाल के कोई फेंक गया है, आई थिंक 1 हफ्ते पहले वो बछड़े का जन्म हुआ होगा। उस मरे हुए बछड़े को गले से रस्सी भी नहीं उतारी, ओह मक्खी ना मार देगी, दे मक्खी भगा दे उसको, भगा दे हाँ। तो कोई मरा हुआ बछड़ा छोड़ के चला गया वहाँ पे। तो फिर उसके बाद अपना क्या बोलते हैं, भीम भाई उन सब ने मिल के उन नमक वगैरह डाल के उस बछड़े को दफनाया। फोटोज़ वगैरह हमारे पास पड़ी हैं, अपडेट करेंगे। मतलब लोगों ने तो यार अड्डा बना लिया बड़े गाँव, जिसको तकलीफ होती है डॉग से वो डॉग फेंक जाता है, जिसको गाय से तकलीफ होती है वो गाय फेंक जाते हैं। और जिस दिन मेरे को रंगे हाथ मिल गए ना, फिर मैं इनका जो हाल करूँगी ना फिर बताऊँगी लाइव में अच्छी तरह। बहुत गंदे लोग हैं यार सच्ची में, पूरी रात इनका यही चल रहा है ड्रामा आज। चीकू और वो ना सर्किट अपनी टीम बना रहे हैं दोनों अपनी टीम बना रहे हैं दोनों बैठे उधर देखियो दोनों टीम बना के खड़े हैं उधर, इसका फांटा है वो तारेंगे या फिर वो इसका तारेंगे, दोनों कैसे बैठे हैं। एक टाइम पे आप सबने देखा था चीकू किसी से बात भी नहीं करता था, मतलब पास नहीं आता था,
चिकू अगर ये बेबी को अडॉप्ट करना चाहता है जो आज बीगल की कॉपी आई है तो आप कर सकते हो, नहीं तो कल हम इसकी मम्मी ढूंढेंगे। वो देख कैसे कर रहे हैं इसको, ओह गॉड, उसके मुंह पे हाथ लगा रहा है। अच्छा ये बीगल इसको पसंद कर रहा है, व्हाइट वाले को, ब्लैक वाले को पसंद नहीं कर रहा, सॉरी कर रही। ये न्यू बच्चा मेरा भाई, इसको सड़क से उठा के लाया भाई, हमारा दिल कैसा बना दिया। इसकी माँ नहीं मिली तो वो बोला कि मैं अकेला इसको छोड़ नहीं सकता था तो मैं इसको ले आया हूँ। सर्किट दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है बट शायद दोस्ती हो जाए, है ना चीकू, तो बेचारा मैं वही पड़ जाता हूँ। वो नहीं सर्किट देखियो, चालू आइटम गिर रहा नीचे, सारा ड्रामे बाज देखियो चीकू, सॉरी सर्किट, मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ। चीकू का पैर ठीक हो गया लेकिन एक पैर जैसे लंगा के चलता है ना, इसको स्विमिंग की थेरेपी देनी है। मौसम ठीक नहीं है इसलिए मैं इसको स्विम नहीं करवा रही, कल इसको थेरेपी देंगे। ये दोस्ती कर रहा है, चालू आइटम दोस्ती कर रहा है इसके साथ ये। सर्किट तो अभी इस बच्ची का नाम भी रखेंगे जिसकी आईज का मर जो वेह वेह। यार मैं पूरी रात नहीं सोने देता ये मेरे को, सच्ची में एक अद्धा बच्चा हो तो मैं ध्यान भी रख लूँ, है ना, है ही इतने सारे। चीकू मुँह दिखा दो अपना, चीकू बेबी, चीकू एक बार फोटो दिखा दो बेबी, पीछे भी दिखा दो नोनी, चिकी सर्किट डर के बैठा, सर्किट आजा, सर्किट फुल डरा हुआ बेचारा। वो ये पता नहीं कौन सा खाना पीना खाती थी, इतनी चला गई ये। सर्किट के ना पीछे से बाल काटे थे तो पोषण इसका ऐसे लगता है, ये टांग नीचे नहीं लगाता तो इसकी थेरेपी करें। नीचे कौन लड़ रहा है, हे भगवान, काटो है क्या, काटो बाहर है, काटो को अंदर ले ले, फांटा तार देगी सबका बाहर। ये सर्किट यार इनकी दोस्ती चल रही है तो चलो, अगर दूसरे डॉग्स देखने हैं तो प्लीज अब बता सकते हो, नहीं तो ओ अबे पकड़ 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 पकड़, हे भगवान यार पूरी रात ही सिस्टम चलेगा इनका, यार इतनी टेंशन होती है देख लो। अभी मैं एक गोली खा के आई हूँ सिर दर्द की, क्या पता रात को एक और खानी पड़ जाए। सर्किट यार फुल चला गए यार ये तो, किधर गया वो, ये इसका कोना इधर ही है वाला, नीचे जा रहा है, भी पिटना पा के बैठी हुई है। छोड़ दो नीचे इसको, छोड़ तो सही, ऐसा थोड़ा फ्रेंडशिप होएगी इनकी, छोड़ दे एक बार, वो भाग गया। गैस डॉग्स रखना इजी नहीं है, इतने सारे रखना इजी नहीं है, एक दो तो आप रख ही सकते हो। अभी युद्ध चलेगा इनका, हे भगवान। चलो जी ब्लैक, हाँ वो ब्लैक पपी जो चीकू की बहन थी वो मैंने आज अडॉप्ट करवाया है तो उसकी मैं फोटोज अपडेट करूंगी जल्दी। वही बात है, मम्मी बोलती है तू एक अडॉप्ट कराती है तो भगवान तेरे को दूसरा दे के भेज देता है। भाई मैं इतने कैसे संभालूं, मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह। मैं एक बार फटाफट एक बार वो क्या बोलती एक बार फटाफट दिखा दूंगी। तो अभी ये वाली जो बच्ची हमारे घर आई है जिसकी आईज का ऑपरेट हुआ है, इसका हम कोई अच्छा सा नाम रखेंगे, अच्छा सा नाम देंगे। तो प्लीज़ यार आप सब लोग भी इन बच्चों की हेल्प किया करो, ये हम पे डिपेंडेंट है पूरी तरह। इनके लिए कोई एम्बुलेंस नहीं है, इनकी इनके लिए सरकार ने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाए हुए, कोई कुछ नहीं बनाया हुआ यार, ये एक चीज़ इंसानियत से होती है। तो प्लीज़ आप भी कुछ इंसानियत दिखा लो, है ना, अगर हर बंदा थोड़ा थोड़ा करे ना यार, सच्ची बोल रही हूँ कि इतने बेजुबान इतने अपने आसपास लोग, सबकी हेल्प हो सकती है। और रांची का कान पहले से ठीक है, वो भी दिखा देती हूँ मैं, भाई मेरा सिर फट गया सच्ची में, हे भगवान।
मरी जाओ, मर जिसको बोलते हैं। मैंने इसको खाना खिलाया था, इसमें इस अकेली को इधर छोड़ देते हैं, अभी ठंडा मौसम हो रहा है। सर्किट कहाँ है? सर्किट तू तो जा अंदर, तेने तो देगी छोले, जा काटो ही, नीचे देख लो, मर जो वे काटो। एक कांटो को अंदर घुसाओ, उसको मार दिया, उसको देखो पता है कांटो अपनी बहन की लड़की को मारती है, वो देखो फैंटा तार रही है उसके नीचे, उसको लटा के, और उसकी बहन उसको मारेगी फिर। चलो मैं जाती हूँ नीचे। हाँ सर्किट ले, इसको थोड़ी देर छोड़ दें यहाँ पे, ये चेयर के नीचे बैठे। चलो जी, कुंडी को लगा के बाहर से, हे भगवान, बाहर से लगी हुई है बहन। यार ये कुंडी खोल दो ऊपर से, वो मेरा भाई है यार, वही लगा के गया है। यहाँ तो उसको कुंडी बंद नहीं करनी होती, यहाँ उसको गलत जगह लगानी होती है। उसको बोल कुंडी खोल। हे भगवान, ये हमने दीवार बना दी है इसके बीच में, तो छोटे बच्चे उधर नहीं जा सकते। बेड पे मैं नेत्रा के अलावा कोई चढ़ता नहीं है, तो बिल्कुल सेफ है वहाँ पे वो। कुंडी इधर वाले दोनों बांधने तो बंद कर गए हमें ऊपर। वाह भाई, सच्चे मेरा सिर फट रहा है यार बहुत ज्यादा। इको एक जेड़ा बंद करता है, जेड़ी चीज खोलनी हो बंद कर छेड़ेगा, जेड़ी बंद करनी हो खोल के बूहे तोड़ जाएगा। सारे कुत्ते लड़ते फिर आपस च, घर च पता नहीं कौन करता है, टूटी चलती छड़ देनी, सारे काम एक ही बंदा करता घर च। हाँ जी, हाजरी लवाओ भी अपनी अपनी। चौथा तड़न लग कितने वेख, चौथा नग कहाँ पे इनका भी। डुगू कोको, हाय हाय हाय, मम्मी है मम्मी है। ब्लैकी मोती वो बैठी, ब्लैकी गाइस ब्लैकी ऊपर है, मेरे पे ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है अभी। डुगी 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 मेरा बच्चा सी, बगीरा मेरा बच्चा सी नहीं, डुगी कोको कोको मेरा बच्चो सी, कोको मेरा बच्चो सी, डुगो भी मेरा बच्चो सी ना। ब्लैक भी आ गया, वाह भाई जवाना, वाह भाई वाह वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भज के आ जाओ, छेती आओ छेती छेती छेती। ब्लैकी भी आ गया जी, ब्लैकी भी आ गया जी, मेरा बच्चा ना, छोले बच्चे आ गए जी, छोले बच्चे, छोले बच्चे हो गए जी, मेरे छोले बच्चे है ना, इन सबको पता है, देख लो ना। ब्लैकी और ब्लैकी, ब्लैक और डुगू फ्रेंड है दोनों। डुगू जी अखा वे कश्मीरी जिया, सॉरी गाइस मैं फिर बोलूँगी ऐसे ना, क्योंकि इसके आंखों के नीचे काजल लगा होता है ना, मैं इसलिए बोलती हूँ सॉरी। डुगू की नहीं छोड़ो बच्चे जी, डुगू की नहीं छोड़ो बच्चे जी, ओए मेरा बच्चा। ब्लैकी भी किन्ना छोना जी, ब्लैकी भी किन्ना छोना जी, बगीरो तो उद्दू भी छोना है ना, है ना बच्ची। चलो जी, तो अभी हम मूव कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, फटाफट बच्चे दिखाएं और लाइव एंड करें भाई फटाफट। डुगू बॉय थोड़ी देर में आऊँगी, थोड़ी देर में आऊँगी, हम तो सारी रात ही जागते रहते हैं भाई। चलो आ जाओ, ये छोटी लाइट जगने दे, बाय बाय, बंद कर दे। चलो जी फटाफट दूसरे बच्चे दिखा दें, खाना पड़ा हो इनका, इसमें दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, इसमें छोटे बच्चों की फीट पड़ी हुई है, मर जाएंगे सारे जब तक ऊपर नहीं आऊँगी मैं। रांची का बाहर तो नहीं हुआ, रांची थल सारे नग कितने ने, एक तो आ गई जे, ओ तू पहले खड़ौना लैके बैठे अपना, रांची कितने वे, रांची 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 कितने गया आज मेरे बुग्गा हैं, अभी से मैं मिल के गई हूँ एक बार पहले, अभी रांची की जुरी, ओए मेरा बच्चा अभी बात नहीं करनी तूने, ये बात करनी, क्योंकि अभी मैं आपके लाइव से पहले ना मैं इसको एक बार बातें करके चली गई हूँ। चलो रांची से मूव कर रहे हैं हम, अगर थोड़ी इसके पास गई तो नेट डिसकनेक्ट हो जाएगा।
रांची को गुरबानी का शौक है तो गुरबानी चलती रहती है। रांची मेरा बच्चा कि ना सुन, चालू कर दो बेबी, उसे प्रॉपर वेट नहीं लियो अपने लेग्स पे अभी। और मेरी सुनी बच्ची सी मर रही, उठा के ले आ, मेरा भाई ले गया ना, उसको बोल अपने कमरे में तू ही सुला, तू ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इनको भी तो पता चले ना एक कमरे में एक डॉग कैसे सुलाते हैं। बाहर तो देख लो मंडी लग रही है जो, देखो क्या है शिट मैन, बंद करिए बंद कर, जल्दी कर, शिट 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 शिट, जल्दी पकड़, जल्दी कर, बंद कर इसको, बंद कर यार। भाई डॉग गिर गया, मैं लाइव एंड कर रही हूँ, जल्दी जल्दी, जल्दी।